हाय क्लास 10, वेलकम टू अवर चैनल राइजिंग क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। आज डिस्कस करेंगे हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, है ना। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को समझते हैं। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड देखिए क्या होता है, आयनिक और कोवेलेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तरह से पहले कोवेलेंट को डिस्कस करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली शेयरिंग से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आप बिल्कुल याद रखिएगा, फोर्थ चैप्टर में इसको और डिस्कस करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड को पूरे अच्छे तरीके से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड को देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, केमिकली बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। मतलब कि दो, आपने ये देखा ही होगा कि उनको अपना शेल क्या होता है, कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। हर एक एटम को नील बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग शेल वगैरह को कंप्लीट करना होता है। जैसे पहले में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उसके बाद जो एट एट करके आते हैं, तो ये क्या करते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो दे देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन। आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे आयनिक के अंदर। अभी देखिए, अभी जस्ट फोकस करते हैं हम कोवेलेंट पे। तो कोवेलेंट क्या करता है ना स्टूडेंट्स, कि अपने बॉन्ड्स को एक दूसरे से शेयर करता है। लाइक इसके पास चार है, इसके पास चार है, तो इसने कहा ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, ये तुम रख लो और ये भी तुम रख लो, मतलब शेयर कर लो। तो इसके पास टोटली कितने हो गए, चार हो गए। अब टोटल कितने हो गए, चार, तो इसके पहले थे एक दो तीन और एक ये चार, और इससे चार दूसरे से शेयर कर लिए। शेयर मतलब आप भी दो हम भी दे, शेयर करते हैं। जैसे हम लंच वगैरह शेयर करते हैं ना, करते हो कि नहीं तुम लोग। देखो इसमें क्या होता है, शेयरिंग हो गई, तो इसके पास कितने हो गए, टोटल एट हो गए। इसके पास ही पहले कितने थे, चार थे, एक दो तीन चार, इससे भी चार इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, इससे ले लिए, शेयर कर लिए, तो इसके पास भी कितना हो गया, एट हो गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक दूसरे की पूर्ति की जाती है शेल के अंदर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड की खासियत है कि वे शेयर करता है, ठीक है। दोनों एटम्स एक दूसरे को लेते देते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक पूरा ट्रांसफर कर देता है दूसरे वाले को। तो ये आपका कोवेलेंट होता है। यूजली ईच एटम्स कॉन्ट्रीब्यूट इन वन इलेक्ट्रॉन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट शेयर्ड ऑफ बोथ एटम, ठीक है। दोनों एटम एक दूसरे को लेंगे और देंगे, ये चीज़ होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ टाइप होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बहुत ईजी सा है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हर एक एटम, इसने एक शेयर किया और इसने एक शेयर किया, तो ये जो बॉन्ड बना वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ठीक है, एक एटम ने दो दिए और दूसरे एटम ने भी दो दिए, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। एक एटम ने तीन दिए, एक ने तीन दिए, एक ने तीन दिए, तो जो ये बॉन्ड बनेगा ये क्या होता है, आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। बेसिकली नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स पे ये डिपेंड करता है बॉन्ड। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, तो कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पाएंगे। अगर वो दो शेयर कर रहे हैं तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएंगे, एंड इफ थ्री शेयर करते हैं तो मेक इट थ्री कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब चलते हैं आयनिक बॉन्ड पे। आयनिक बॉन्ड पे हमें थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करना है। तो देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है ये दूसरे को, ठीक है। इसमें इसको एक एक्स्ट्रा पड़ता है। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम होता है, ठीक है। सोडियम के जो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा होता है, सोडियम 11 नंबर पे आता है। तो पहले में आपने दो फिल कर दिए, ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट शेल था उसका एल वाले में आपने कितने फिल किए, एट। अब एक क्या एक्स्ट्रा बच गया, तो इस एक्स्ट्रा को सात लेने में बहुत दिक्कत होगी। सेवन इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको एट बनाने के, सेवन इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर इसको एट बनाना है तो सेवन चाहिए। तो सेवन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसे जितनी एनर्जी इसके पास, जो कि इतनी एनर्जी है नहीं। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, दूसरों को दे देता है, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, खत्म हो गया यहाँ से इसके पास इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है एक। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है, अपना ऑक्टेंट, अपना शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो अब वो क्या करेगी, सात को रिलीज तो कर नहीं सकते, हटा तो सकते नहीं, तो वो क्या करते हैं, एक किस से मांग लेते हैं, पूरी तरीके से एक इस पर ट्रांसफर हो गया। अब इसके पास टोटल कितने हो जाते हैं, आठ हो जाते हैं, दो दो चार दो छः दो आठ। अब इसके पास कितने हो गए, आठ हो गए। तो अब ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। एक किसी को पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसी बॉन्ड, और जो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। देखिए आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज आयन।
और इसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है दो अपोजिट आयंस के बीच में। अब अगर इसने दिया है, जो देता है वो किस में आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो किस में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। यानी एक तरह से ये उधार ले लेता है, कर्ज में चला जाता है, ठीक है। तो जो देता है इलेक्ट्रॉन्स वो कहता है पॉजिटिव में होता है। जैसे अगर किसी ने दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस टू का चार्ज आ जाता है, और अगर किसी ने दो इलेक्ट्रॉन लिए तो उस पर माइनस टू का चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर तीन लिए तो प्लस तीन का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर उसने तीन गेन किए लिए तो माइनस थ्री आ जाएगा। तो ये होता है। अब आयनिक के अंदर एक चीज़ कटायन होती है और एक चीज़ अनायन होती है, ठीक है। कटायन वो होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। ये क्या होते हैं आपके कटायन, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, जो उधार देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम, कटायन। क्या बोलेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होने का। क्या है कटायन, कटायन वो है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज़ करता है। और अनायन क्या होते हैं, ए मीन्स अनायन, अनायन क्या होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी जो उधारी में रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं दूसरे से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था कटायन और अनायन का। आयनिक बॉन्ड्स के अंदर दो चीज़ें हो गई, एक कटायन हो गया, कटायन कौन, जो इलेक्ट्रॉन को दे, अनायन कौन, जो इलेक्ट्रॉन को ले, ठीक है। और इसमें एक चीज, एक क्या होता है, मेटल होता है, एक एक एलिमेंट क्या होगा, मेटल, जैसे Na मेटल था, और एक क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो ये आयनिक का कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड था। इसी तरह से आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, उसका प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होती है, बॉन्ड फॉर्म हो गया तो अब उसकी, उस बॉन्ड की क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सॉलिड होता है, एक तो हार्ड होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पूरी तरीके से दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, चिपका के रखते हैं। और ये क्या होता है, फिर इसका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये सॉलिड होता है, जनरली ब्रिटल होते हैं, जैसे NaCl हो गया, NaCl में क्या है, आयनिक बॉन्ड है। उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इनका थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, अब इनको ब्रेक करना है तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल। ये आयनिक बॉन्ड पानी में क्या होता है, घुल जाता है, पानी में आयनिक बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, पानी में घुल सकते हैं, लेकिन ये इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन पेट्रोल एक्सेट्रा में, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या खास कॉन्सेप्ट होता है, कि जब भी आयनिक कंपाउंड को आप किसी भी डिजोल्व करते हो पानी के अंदर या फिर दूसरे सॉल्यूशन के अंदर, तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं, मतलब Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। Na क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, और एक जो आपका Cl है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। मोल्टन स्टेट क्या होता है, मोल्टन स्टेट होता है बेसिकली ब्रेक स्टेट, ठीक है। एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, Cl हो गया ब्रेक, और एक तरफ क्या हो गया, Na हो गया। तो जो चीज़ ब्रेक हो जाती है पानी के अंदर वो कौन सी स्टेट हो जाती है, मोल्टन स्टेट हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर चार्ज अवेलेबल होता है, ठीक है। एज अ मूवमेंट ऑफ आयन नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट बट ड्यू टू रिजिस्ट स्ट्रक्चर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जब तक पानी में आप घोलो नहीं, मोल्टन स्टेट में नहीं होंगे, तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। मोल्टन स्टेट में इन्हें जाना ही होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सॉलिड होते हैं, उसके बाद इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होता है। सॉल्युबल ये सिर्फ वाटर के अंदर होंगे, केरोसिन वगैरह के अंदर नहीं होंगे। इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करेंगे मोल्टन स्टेट में, सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेट में, जब ये ब्रेक होंगे तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी आयनिक कंपाउंड।